गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं लंच डेट के लिए प्रिपेयर होने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस फ्रेश और ड्यू मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। फेस में टोनर अप्लाई कर लेते हैं, 3 से 4 स्प्रे इनफ है और टोनर को हम स्किन में अभी एब्जॉर्ब होने देते हैं। ये मेरी स्किन को सुपर सुपर हाइड्रेट रखेगा। टोनर तो एब्जॉर्ब हो गया है, तो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा मेकअप से और साथ ही साथ मेरी स्किन में ना बहुत ही बढ़िया ग्लो भी लाएगा। तो विटामिन सी सीरम को अगर आप मेकअप करने से पहले अप्लाई करते हैं ना, तो मेकअप करने के बाद भी देखिएगा आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रहा है। तो विटामिन सी सीरम को जेंटली हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। पहले तो चिपचिपा लगेगा, पर धीरे धीरे ये स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये देखिए सीरम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है और सीरम अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितना ग्लो कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ। ये रीइक्वल की मॉइस्चराइजर है जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप वही मॉइस्चराइजर अप्लाई करें जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो नेक में अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक में भी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने हाथों में भी, इससे आपके हाथ भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। मॉइस्चराइजर तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, तो ये देखिए स्किन मेरी काफी हाइड्रेटिंग लग रहा है। पर अभी भी और एक प्रोडक्ट अप्लाई करना बाकी है। जबकि मैं लंच डेट पे जा रही हूँ, तो मैं कैसे सनस्क्रीन को भूल सकती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई योर सनस्क्रीन ऑन योर स्किन। सनस्क्रीन आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसे अप्लाई करना। मैं यहाँ पे एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन अप्लाई करूँ, जबकि मेरी वन ऑफ फेवरेट सनस्क्रीन है। ये सनस्क्रीन ना बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, मैट फिनिशिंग देता है, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है और इसे अप्लाई करने के बाद ना स्किन बहुत स्मूथ भी लगता है। मेरी एक्ने प्रो स्किन है और ये एक्ने प्रो स्किन में बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो जिन लोगों को एक्ने प्रॉब्लम है वो भी इसे यूज कर सकता है। तो थोड़ा सा मैंने नेक में और हाथ में भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है। अभी मेरी स्किन बिल्कुल रेडी है मेकअप करने के लिए, पर 5 मिनट वेट करते हैं ताकि ये सारी चीज मेरी स्किन पे सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद मैं स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूंगी। अगर मैं डिनर डेट पे जाती हूँ तो मैं फाउंडेशन अप्लाई करती, पर मैं लंच डेट पे जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मेकअप लुक है वो बहुत ही फ्रेश और ड्यू लगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कंसीलर ही अप्लाई करूंगी। कंसीलर स्किन टोन के साथ मैच होना चाहिए, उससे लाइटर नहीं। तो इसे ब्यूटी स्पंज से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा ज्यादा समय लेके मैं इसे ब्लेंड करूंगी ताकि कंसीलर मेरी पूरी फेस में अच्छे से बैठ जाए और बिल्कुल भी व्हाइट व्हाइट ना लगे, एकदम नेचुरल लगे। तो जब तक ये स्किन में अच्छे से बैठ नहीं जाता है और ये नेचुरल फिनिशिंग नहीं देता है, तब तक मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करते रहूंगी। तो कंसीलर यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो गया है, तो देखिए मेरी फेस में यहाँ पे नेचुरल फिनिशिंग आ गया है। और जो एक्सेस कंसीलर ब्यूटी स्पंज में है वो मैं नेक में अप्लाई कर देती हूँ ताकि मेरी नेक और फेस का कलर डिफरेंट ना लगे। तो कंसीलर तो यहाँ पे ब्लेंड हो गया है, तो चलिए चीक्स को थोड़ा सा पिंक बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे हानिया आमिर के जैसे एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक चीक्स को पिंक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रीम ब्लश यूज कर रही हूँ। डेट पे जा रही हूँ, अगर चीक्स थोड़ा पिंक ना रहे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए चीक्स और नोज को थोड़ा सा मैं पिंक बना रही हूँ। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लश यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो गया है, तो ये देखिए लग रहा है ना हानिया आमिर के जैसे मेरी चीक्स और नोज। तो चलिए अभी हम ब्लश को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम ब्लश को सेट करेंगे, उसके बाद हम पूरी फेस में कॉम्पैक्ट को अप्लाई करेंगे कंसीलर को सेट करने के लिए। तो मेरी बेस मेकअप तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट हम आईब्रो को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरी आईब्रोज में जो गैप है ना उसे हम फिलअप करेंगे और उसे अच्छे से हम ब्रश कर लेंगे, तो हो जाएगा मेरी आईब्रो सेट। एक साइड की आईब्रो हो गया है, तो चलिए दूसरी साइड भी कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड की आईब्रो भी कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर की आई शेडो लिया है जिसे मैंने एंगुलर ब्रश में लगा लिया है। अब मैं मेरी आंखों की साइड में थोड़ा सा विंक लाइन क्रिएट करूंगी। मैं यहाँ पे आईलाइनर नहीं अप्लाई करूंगी, बस थोड़ा सा विंक लाइन क्रिएट करूंगी इस तरीके से, ताकि मेरी आंखें जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगे। तो चलिए दूसरी आंखों में भी मैं इसी तरीके से विंक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी आंखें। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी विंक लाइन कैसा लगा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे पिंक आई शेडो ले लेते हैं और मेरी यहाँ पे जो आई क्रीज है ना वहाँ पे मैं इसे ब्लेंड करूंगी, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी आई क्रीज में भी सेम इसी तरीके से पिंक आई शेडो अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरी नेचुरल आई मेकअप। अभी हम मस्कारा लगा लेते हैं, क्योंकि मस्कारा के बिना तो आई मेकअप बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। आप चाहे आई शेडो स्किप कर सकते हैं, आप विंक लाइन भी क्रिएट ना करें तो भी चलेगा, पर मस्कारा आपको अप्लाई करना ही है अगर आप अपने आई लैश को डिफाइन करना चाहते हैं। तो मेरी आई मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ ताकि मेरी फेस क्लीन लगे और ब्यूटीफुल लगे। वैसे लंच डेट पे जा रही हूँ, कंट्रोल अगर नहीं भी करूँगी तो भी चलेगा, तो वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है। आप चाहे तो कंट्रोल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, पर हाँ फोरहेड को तो मैं ज़रूर कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मेरी फोरहेड काफ़ी ब्रॉड है, तो इतनी ब्रॉड फोरहेड किसी को ना दिखाई दे। तो इसे छुपाने के लिए मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ मेरी फोरहेड और मेरी नोज, ताकि मेरी नोज थोड़ा सा शार्प लगे दिखने में। तो कॉन्टोरिंग पार्ट इज डन। नेक्स्ट चलिए मेरी मेकअप को ड्यू बनाने के लिए यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। जितना ज्यादा हाइलाइटर उतना ही ज्यादा ड्यू। चिक्स, नोज, क्यूपिड एरिया, ब्राउन एरिया और फोरहेड में हम यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। तो चलिए लास्ट पार्ट है लिपस्टिक। लिपस्टिक के बिना तो मेरा यह लुक अधूरा ही है। तो पिंक कलर की एक लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं जो थोड़ा सा लाइट कलर है। लंच डेट पे जा रही हूँ तो डिनर डेट होता तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई करती हूँ, पर लंच डेट के लिए ना या तो पिंक या तो न्यूड कलर की लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। पर ये कलर ना मेरी मेकअप के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा है, पर मैं बालों को थोड़ी ना ऐसे रखूंगी। तो चलिए मैं बाल को खोल लेती हूँ। मेरी जो बालों की क्वालिटी है ना उतना अच्छा नहीं है, फ्रिजी हेयर है, बस हाथों से ही मैं ऐसे बालों को सुलझा रही हूँ। तो ये रहा मेरी फाइनल लुक और मैं अपने बालों को ऐसे ही रखूंगी। ओ माय गॉड, मैंने तो इयररिंग पहनना भूल गई हूँ, तो मेरा ईयर जो है वो बहुत खाली लग रहा है। तो चलिए ट्राई कर ले। तो हाँ ये वाला इयररिंग ना इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, तो चलिए ये वाला ही पहन लेती हूँ। ये इयररिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बस 50 रुपीस में मुझे ये मिला है, पर क्या हुआ ये इयररिंग बहुत अच्छे लुक भी दे रहा है मेरी इस ड्रेस के साथ। तो मैं रेडी हो गई हूँ लंच डेट के लिए। तो दोस्तों मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये लंच डेट की लुक कैसा लगा है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ना तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे ऐसे और भी ज्यादा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए मैं तो चलिए डेट में। तो आप लोग कौन कौन डेट पे जाने वाले हो इस मेकअप को क्रिएट करके मुझे जरूर बताना।